हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विथ मान। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके वीडियो एग्ज़ाम, यूपी स्पेशल एग्ज़ाम, आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। दोस्तों, देश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। कहाँ पे दोस्तों? चित्रकूट में, यानी ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देश का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? दोस्तों, गुरु गोविंद स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है, ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। दोस्तों, पूछा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, तो वो है दोस्तों महर्षि पुरुषोत्तम, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, पूछा है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो वह है दोस्तों भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों, संगीत के लिए उत्तर प्रदेश में भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? दोस्तों, पूछा है भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना, तो वो बना दोस्तों 24 अक्टूबर 2000 में। कब दोस्तों? 24 अक्टूबर 2000 में, यानी ऑप्शन जो बी है ये राइट है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना, तो ये बना दोस्तों 24 अक्टूबर 2000 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? दोस्तों, पूछा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो वह है दोस्तों 6, ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 मार्च 2013 तक उत्तर प्रदेश में केवल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, लेकिन अभी वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 6 है, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है। दोस्तों, पूछा है उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शंस जो बी है ये राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पेपर ऑफ स्कूल टेक्नोलॉजी स्थित है, वो स्थित है दोस्तों सहारनपुर में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये जीके के क्वेश्चन याद कैसे होते हैं, तो मैं बीच बीच में आपको ट्रिक भी बताता चलूँगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन को याद करना है,
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, स्कूल में जो है वो पेपर का सहारा लिया जाता है दोस्तों। किसका सहारा लिया जाता है? पेपर का। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो पेपर का सहारा कहाँ लेंगे आप? सहारनपुर से। सहारा सहारनपुर तो ही देगा। तो ऐसे आप करके इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान दोस्तों ये स्थित है आपके, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है मुझे। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुमोदित है, ये है दोस्तों जायस में। इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, जायस में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि केंद्रीय आम संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी स्थित है दोस्तों लखनऊ में। इसी का नाम बदल के उपोष्ण बागवानी रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? दोस्तों क्वेश्चन है, किसे उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो वो किया गया दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है? दोस्तों पूछा है शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों प्रयाग में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है, इसलिए अब ऑप्शन पे इलाहाबाद ही ट्रिक करने के चक्कर में ऑप्शन गलत मत कर दीजिएगा। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है दोस्तों आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है? दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल है, तो वो है दोस्तों गन्ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गेहूं पे ट्रिक मत करिएगा, उत्तर प्रदेश की नगदी फसल गन्ना है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है? दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, तो वो है दोस्तों बीघा। आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है? दोस्तों पूछा है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो वह दोस्तों हथकरघा उद्योग, यानी ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना गोमती झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? दोस्तों निगेटिव वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों पूछा है, गंगा
यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों, गंगा जो है ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। यमुना भी उत्तर प्रदेश से गुजरती है और गोमती भी गुजरती है। गोमती रिवर फ्रंट आपको पता होगा दोस्तों, लखनऊ में है। तो बचा क्या? बचा झेलम। तो दोस्तों झेलम जो है ये यहाँ की जम्मू कश्मीर की नदी है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की? दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में अंकित की? तो वो अंकित की दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो 10वीं थी उसमें उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% किससे प्राप्त होता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है व्यापार कर से, यानी ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों पूछा है कि उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो की जा रही है दोस्तों लालगंज में। कहाँ पे? लालगंज में। ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लालगंज रायबरेली में है। तो कभी कभी ऑप्शन में रायबरेली दे देगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को, यानी ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास होती है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों आ चुका है और बहुत लोग इस पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गेंडे को पुनः निर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? दोस्तों पूछा है कि गेंडे को पुनः निर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो वो चल रहा है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आंसर होगा ये दोस्तों लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया की तिथि क्या थी? दोस्तों पूछा है कि उत्तर प्रदेश की जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया की तिथि क्या थी? तो वो तिथि थी दोस्तों 16 मई से 30 जून 2010 तक, यानी जो पहले चरण की जो जनगणना थी वो 16 मई से 30 जून 2010 तक कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो वह है दोस्तों गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद, जनसंख्या घनत्व की बात किया है तो गाजियाबाद। अगर दोस्तों यहीं पे पूछ देता कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, तो वो हो जाता इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम आबादी वाला जिला है? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, ये क्वेश्चन वही है, बस इसको घुमा के लिख दिया है। दोस्तों पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम आबादी वाला जिला है, तो वो जिला है दोस्तों इलाहाबाद, यानी सबसे ज़्यादा लोग इलाहाबाद में हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? दोस्तों पूछा है किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है दोस्तों, तो वो है सिखों का, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। दोस्तों पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला जिला है, तो वह है दोस्तों ललितपुर। कौन सा? ललितपुर, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? देखिए दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन है, हमें पेपर में निगेटिव क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन में हम लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हम लोग सही वाले पे ट्रिक करके चले आते हैं और बाद में देखते हैं ओहो ये तो पूछा था नहीं होना चाहिए, और हमने होना चाहिए वाले पे टिक करके चले आए रहते हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। उत्तर प्रदेश का आगरा, इलाहाबाद, कानपुर एवं लखनऊ में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH2 है के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। कौन सा दोस्तों? लखनऊ। देखिए दोस्तों जो NH2 है वो लखनऊ से होकर नहीं जाता है। NH2 दोस्तों दिल्ली से कोलकाता का नेशनल हाईवे है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। ये लखनऊ से नहीं जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन सा जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता? ये भी दोस्तों निगेटिव क्वेश्चन है। पूछा है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से कौन सा जनपद इलाहाबाद के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो वो है दोस्तों सोनभद्र। अगर आप दोस्तों उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों जो सोनभद्र है ये सीमा नहीं बनाता है, बाकी प्रतापगढ़, दोस्तों कौशाम्बी और जौनपुर ये तीनों दोस्तों इलाहाबाद के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है, यानी दोस्तों पूछा है कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण की तरफ का अनुक्रम है, तो वो है दोस्तों सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही, यानी ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और भदोही, ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण का अनुक्रम है। और इसका उल्टा कर देंगे दोस्तों तो दक्षिण से उत्तर का अनुक्रम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ योजना का संबंध किससे है? दोस्तों पूछा है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो वो है दोस्तों सड़क से, यानी ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है? दोस्तों पूछा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो स्थित है दोस्तों लखनऊ में, ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में, दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों लखनऊ में, यानी ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस जिले में की जा रही है? दोस्तों मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना
रामपुर में की जा रही है। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सैयद सालार का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सैयद सालार का मेला दोस्तों बहराइच में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? बहराइच में। और दोस्तों गोरखपुर में यहाँ पे बाराबंकी में कौन सा मेला लगता है दोस्तों? तो बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला। कौन सा मेला दोस्तों? देवा शरीफ का मेला। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसका दोस्तों, इसका आंसर बी होगा, बहराइच। सैयद सालार का मेला बहराइच। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। दोस्तों जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों कौशाम्बी। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन किस जिले में स्थित है? दोस्तों पूछा है भारत कला भवन किस जिले में स्थित है, तो वह स्थित है दोस्तों वाराणसी में। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? लिंगानुपात पूछा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, तो वो है दोस्तों 912 महिलाएं, यानी प्रति 1,000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 912 महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी बड़ी समस्या है दोस्तों लिंगानुपात का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? दोस्तों पूछा है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों नरोरा में। ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों नरोरा कहाँ है, तो यह है दोस्तों बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिड़ला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों बिरला समूह के द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण रोजा में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? दोस्तों पूछा है कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो वो निवास करती है दोस्तों माहीगीर। ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब, सर्वाधिक मात्रा मतलब सबसे ज़्यादा थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और दोस्तों ये दीपावली के दिन शोक भी मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली के दिन शोक मनाती है, तो वो कौन सी है दोस्तों? थारू जनजाति। और जो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जनजाति है उसको जौनसारी जनजाति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें एक और फैक्ट है दोस्तों, ये सहरिया जनजाति जो है ये ललितपुर की जनजाति है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, जो सहरिया जनजाति है दोस्तों ये ललितपुर की जनजाति है। अब अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? दोस्तों पूछा है सुरहा ताल पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, तो वो स्थित है दोस्तों बलिया में। अब देखिए दोस्तों, सुरहा ताल है बलिया में, तो इसे याद कर लीजिए दोस्तों, सुर जो है बलिया वालों का सुर, जो गाना गाते हैं दोस्तों बड़ा मस्त गाना गाते हैं, तो सुरहा ताल बलिया, ये आप ऐसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद जिले में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्व सामग्री प्रतिबिंबित करती है? दोस्तों जो गाजियाबाद के आलमगीरपुर से जो पुरातत्व की सामग्री मिली है
वो दोस्तों किससे प्रतिबिंबित करती है? तो वो करती है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के आलमगीरपुर में कौन सी सभ्यता के पुरातत्व अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत पूछा है तो वो हो जाएगा बिरहा। ऑप्शन डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कार्तिक किस जिले का लोक नृत्य है? दोस्तों पूछा है कार्तिक किस जिले का लोक नृत्य है? तो यह है दोस्तों बुंदेलखंड का। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों पूछा है कि जो हिंदुस्तानी एकेडमी है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों इलाहाबाद में। ऑप्शन बी राइट है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड करता हूं, तो अगर आपको करंट अफेयर की सबसे पहले वीडियो देखनी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों मोटिवेशन के लिए लाइक करिए। और दोस्तों आपको मैं पर डे ऐसे ही यूपी स्पेशल की वीडियो देने वाला हूँ, जिससे आपके लिए आने वाले वीडियो के एग्ज़ाम, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम, सी टेट के एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए यूपी स्पेशल दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं पढ़ता दोस्तों इसको, और ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग छोड़ के चले आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है परहिया जनजाति निवास करती है। दोस्तों परहिया जनजाति उत्तर प्रदेश में कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है दोस्तों सोनभद्र में, यानी ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों अगला क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार बोल दूँ, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो करिए ही करिए। प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के आपको दे सकूं, जिससे आपको हेल्प मिले। दोस्तों थैंक यू सो मच।